गुड मॉर्निंग गाइस, राधे राधे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक्टिविटी होने के लिए लाइनअप हो चुके मैं इस नाटक की परिचयकर्ता के रूप में प्रस्तुत हूँ। इस नाटक के मुख्य पात्र हैं शैली और अजय, लड़का लड़की के रूप में। शैली की शैली शैली अंकिता लड़का के माता पिता के रूप में। दीपिका और साक्षी लड़की के माता पिता के रूप में। होलिका लड़की की छोटी बहन के रूप में। प्रियांशु लड़का का छोटा भाई के रूप में। अपने से कोई किताबी कीड़ा नहीं। खुशी ननद के रूप में। चांदनी बेटी के रूप में। लीलावती अरहर पड़ोसन के रूप में। आर्यन आर्यन की हालत के रूप में। और प्रीतिका मुकेश के रूप में। तो आइए इस नाटक को शुरू करते हैं। आशा है कि आप इस नाटक को क्या बात कर रहा है? सामने जाकर बात करवाएं बेटी के। देखना जी, आज मेरी बेटी को देखने के लिए लड़के वाले आने वाले हैं। बता दें कि वह दहेज के बारे में क्या कुछ कहेंगे। आजकल के समाज में तो दहेज लेने और देने का परंपरा चल रहा है। मुझे तो इस समाज से घिन आती है। हाँ बहन, तुम ठीक करती है। तुम वजह से ही ये दहेज प्रथा चली आ रही है। तुम दोनों सही कहती हो, पर हमें अब इसी समाज को अपनाना है और इसी समाज में रहना है। जो भी होगा भगवान के घर से होगा। थोड़ा फेस दिखा सामने से। मैगी के अलावा Yeah.
सकते हैं। अपने सेठ में क्या दीजिएगा, क्या दे सकूंगी? हमारी बेटी को पढ़ाने लिखाने में सारा पैसा खर्च हो गया। हम तो शादी में 5 लाख रुपए और एक कार दे पाएंगे। इतना अगर आपको मंजूर है तो बात कहिए। लेकिन हमें तो 10 लाख, एक कार और सोने का चैन चाहिए। इतना नहीं दे पाएंगे संधि जी। कम से कम हम 5 लाख तक दे पाएंगे। ठीक है, इसी में अड़े रहेंगे। ठीक है, ये बाल भी हुआ था। आज साल लड़की के एक बेटी होती है और उसे बहुत मारा पीटा जाता है क्योंकि उसके माता पिता ने उसे 5 लाख रुपए दिए थे और कार नहीं दिए थे, इसलिए उसे बहुत नाराज़ी मारा जाता है। तो आइए देखते हैं। ऐसा नहीं करना है, ठीक है? मेरा में दहेज प्रथा नहीं है, ठीक है? ऐसे झाड़ किया जाता है, उजाड़ करना भी नहीं आता। क्या कपड़ा बड़ा बड़ा के दिखा रहे हो? क्या था? क्या जी बोली बोली ऑन द कैमरा पर। नमस्ते मुखियान जी। क्या बात है दीदी? हमारे ऊपर एक समस्या आ पड़ी है। क्या समस्या बताइए? मेरी बेटी को दहेज ना देने की वजह से बहुत मारा पीटा जाता है। ठीक है, तब आज शाम को पंचायत बैठाई जाएगी। धन्यवाद मुखियान जी। Thank you.
आपकी पड़ोसी कौन है? मैं हूँ। तो बताओ दीदी, इसको इसको मारते हैं इसको सास ससुर लोग? हाँ क्या ये लोग झूठ बोल रहे हैं, ये लोग इसकी आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, एग्जाम कहाँ है? थोड़ा बोलिए तो दीदी इसको। ये लोग उसकी बेटी को बहुत मारते पीटते हैं, दहेज न लाने के कारण उन्हें बहुत ताना भी देती है और उसका पति उसे दारू पी कर बहुत मारता पीटता है। हाँ मुखियान जी, इनके पति ने तो हमें कहा था कि वो दारू नहीं पीते हैं, पर शादी होने के बाद पता चला कि इनके पति तो दारू पीते हैं। ये तो बहुत ही झूठ बोले हैं। बेटी क्या तुम इन लोगों के साथ रहना चाहती हो? लेकिन मगर कुछ मेरी शर्तें हैं। क्या शर्त है बेटी बताओ? अगर मेरे पति पीना छोड़कर मेरे सास ससुर मुझे अपनी बेटी की तरह माने और मेरी ननद मुझे अपनी बड़ी दीदी की तरह माने तो मैं इन लोगों के साथ खुशी खुशी रहूंगी। क्या आप लोग ऐसे ही करेंगे? नहीं ऐसा करेंगे तो ये आप लोगों के साथ रहेगी। ठीक है, हमें मंजूर है, हमें माफ कर दो बेटी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। नहीं नहीं, आप मेरे से बड़े हो, ऐसा ना करें।